और क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसको बोलते हैं CKD जी, जिसका मतलब आप किडनी फेलियर भी बोल देते हैं, तो वो उसकी इतनी बड़ी महामारी हो रही है पूरे देश में हो रही है, और खासकर इस कंट्री के इस रीजन में, पंजाब हरियाणा के रीजन में बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन जो एलोपैथिक सिस्टम है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, उसमें डायलिसिस किया जाता है और बाद में जो ट्रांसप्लांट किया जाता है किडनी को। इसका मतलब है कि उस किडनी को दोबारा रीजनरेट करने का मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के पास कोई उपचार नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उस फेल हो रही किडनी को आप रीजनरेट कर सको। जिन लोगों का अभी तक ट्रांसप्लांट या डायलिसिस नहीं हुआ, उन सबको ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि आपको ना तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी ना ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपको डायलिसिस से भी और ट्रांसप्लांट से भी मुक्त कर सकते हैं। किडनी के नाम पे जहाँ पर एक तरफ लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आज हम मौजूद हैं हिम्स हॉस्पिटल डेराबसी चंडीगढ़ के अंदर। जी हाँ, जहाँ पर इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का ये कहना है कि आपको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हीं फेमस डॉक्टर्स के अंदर से आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, जिन्होंने केवल मिलेट्स के द्वारा खाने पीने के अंदर चेंज करके हजारों लोगों की जिंदगियों को बचाया है, नामुराद बीमारियों को दूर किया है और उनके जीवन को खुशहाल बनाया है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आप यहाँ पर किडनी पेशेंट का जो डायलिसिस है वो बंद हो सकता है, कैसे हम उसको ट्रांसप्लांट से बचा सकते हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसको बोलते हैं CKD जी, जिसका मतलब आप किडनी फेलियर भी बोल देते हैं, तो वो उसकी इतनी बड़ी महामारी हो रही है पूरे देश में हो रही है, और ख़ासकर इस कंट्री के इस रीजन में, पंजाब हरियाणा के रीजन में बहुत ज़्यादा हो रही है। ये एपिडेमिक जो है, इसके कारण क्या हैं, इस पर तो नहीं जाएंगे हम लोग, कारण इसके बहुत गहरे हैं। हवा, पानी, मिट्टी और भोजन में इसके कारण छिपे हुए हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जहर हैं। लेकिन जो एलोपैथिक सिस्टम है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, उसमें डायलिसिस किया जाता है और बाद में जो ट्रांसप्लांट किया जाता है किडनी को। इसका मतलब है कि उस किडनी को दोबारा रीजनरेट करने का मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के पास कोई उपचार नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उस फेल हो रही किडनी को आप रीजनरेट कर सको। लेकिन आयुर्वेद की छत्र छाया में जो होलिस्टिक हेल्थ केयर एक मॉडर्न शक्ल में आ रहा है, वो है आयुर्वेद की छत्र छाया ही, लेकिन उसकी एक मॉडर्न शक्ल है होलिस्टिक हेल्थ केयर, जिसमें हम लोग डाइट कहते हैं, उसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं और उसमें कुछ हर्बल मेडिसिन देते हैं, और साथ में गर्म पानी में बैठने का, टब में बैठने का जो हमारा जो हमने निकाला तरीका, और हेड डाउन टिल्ट के सर वाला साइड जो है वो डाउन रखनी है, पैर वाली साइड ऊंची रखनी है, और कुछ और मिला के लाइफस्टाइल की कुछ चेंजेस हैं, तो उसमें सारे को मिला के एक पैकेज की शक्ल दे दी हमने। वो जो पैकेज है उससे हम बहुत सक्सेसफुली पेशेंट की किडनी को रीजनरेट कर पा रहे हैं, और जिन लोगों का डायलिसिस अभी शुरू नहीं हुआ, हम लगभग उसको गारंटी से कह सकते हैं कि वो डायलिसिस शुरू नहीं होगा, ट्रांसप्लांट तो बड़ी दूर की बात है। तो इसलिए हम जिन लोगों का अभी तक ट्रांसप्लांट या डायलिसिस नहीं हुआ, उन सबको ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि आपको ना तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी ना ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपको डायलिसिस से भी और ट्रांसप्लांट से भी मुक्त कर सकते हैं। जिन लोगों का शुरू हो चुका है डायलिसिस, या जिन लोगों का ट्रांसप्लांट भी हो चुका है, लेकिन ट्रांसप्लांट बहुत सारे पेशेंट्स में फिर से फेल होने लगता है, फिर से वही डायलिसिस पे आना पड़ता है उनको, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम बहुत सारे पेशेंट्स को वापस डायलिसिस से मुक्त करवा करके फिर वापस हेल्दी बनाने का उनको एक प्रॉमिस भी करते हैं। और हमसे तालमेल कीजिए, या हमने अपनी वीडियोस में, हमने अपने ग्रुपों में बहुत सारा प्रोटोकॉल डाल रखा है, उसको फॉलो कीजिए, और अगर आपको नहीं उसको फॉलो कर सकते आप, तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, वो कॉन्टैक्ट करेंगे आप तो आपको बहुत ही सस्ते में, जो खर्चा आपका डायलिसिस में होना है
या जो खर्चा आपका ट्रांसप्लांट में होना है उसका बिल्कुल ही एक नाम मात्र खर्चे में आपको फिर से हेल्दी करने की समर्थता रखते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि आपने एक बाथटब के अंदर बिठा करके, पानी के अंदर बिठा करके 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर किडनी पेशेंट को बिठाते हैं और उससे वो उसकी जो प्रॉब्लम है वो रिवर्स हो जाती है। ऐसी कौन सी टेक्निक है, वो क्या काम करती है पानी में बिठाने से, क्या ऐसा सिस्टम है बॉडी का? एक तो चमड़ी जो है वो किडनी का काम करने के समर्थ है। कुदरत ने चमड़ी को बनाई ऐसे है कि किडनी का आधा काम कर सकती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो हॉट वाटर इमर्शन है, इसको जो हमने नाम दिया है हॉट वाटर इमर्शन का और हेड डाउन टिल्ट का, ये दोनों मिलकर के और बाकी प्रोटोकॉल की जो चीज़ें उनसे साथ मिलकर के ये चार चीज़ें करते हैं। DRRR, डिटॉक्सिफिकेशन, रिपेयर वर्क, रिजुविनेशन एंड रीजनरेशन। ये चारों बॉडी के वो मैकेनिज्म है जिससे बॉडी के जो बीमारी रुक गई है, जो छोड़ नहीं रही बॉडी को, वो छोड़ने लगती है। तो किडनी में भी वही होता है, ये सभी बीमारी में होगा। ये नहीं कि सिर्फ ये प्रोसेस है, ये जो तरीके हैं किडनी सिर्फ किडनी पेशेंट के लिए हैं, सब बीमारियों में ये कारगर होंगे। कैंसर वाले पेशेंट में भी कारगर होगा, लिवर वालों में भी कारगर होगा। तो ये जो प्रोसेस है DRRR का, डिटॉक्सिफिकेशन, रिपेयर, रिजुविनेशन, रीजनरेशन, ये प्रोसेस कहीं भी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में किसी भी तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी एक रिसेंटली वीडियो वायरल हुई आचार्य मनीष जी की, जिसके अंदर हजारों लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनको यहाँ पर आकर के ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा या वो इस बाथटब के जरिए, या आप जो कह रहे हैं कि हेड टिल डाउन करके वो घर में भी सुख सुविधा ले सकते हैं, दवाइयों का सहारा ले सकते हैं, उसके बारे में बताइए। क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा है कि बहुत सी भीड़ है चारों तरफ, लोग आ रहे हैं, पेशेंट रात दिन यहाँ पे OPD चल रही है, बेड फुल हैं, तो अब वो लोग क्या करें, उनको क्या रिजल्ट है उनके लिए, क्या कर सकते हैं वो घर पर रह के? हम उनके लिए वीडियो की शक्ल में भी डाल रहे हैं, हमारे क्लिनिक्स हैं, आचार्य जी के क्लिनिक्स भी हैं पूरे इंडिया में, वो भी हैं, और हम अलग अलग ढंग से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये टेक्निक फ्री में हमने डाला हुआ है कि ये वाला टेक्निक, उसकी वीडियोज भी डाली हुई हैं, तो अपने आप भी आप फॉलो कर सकते हो, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो बिना आए भी। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे फ़ोन नंबर्स हैं जो इस वीडियो के भी उसमें दे दिए जाएंगे, उस फ़ोन पर आप कॉन्टैक्ट करो, हम आपको हर ढंग से गाइड करेंगे, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या 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 एक्सरसाइज करनी है, कैसे टब कैसे बनाना है, और ये हेड डाउन टिल्ट कैसे करना है, सब तरीके से करेंगे। इस हॉस्पिटल में तो हम लोग बहुत थोड़े से पेशेंट्स को ले सकते हैं, वो ले रहे हैं। इस हॉस्पिटल में आने का फ़ायदा ये है कि इस हॉस्पिटल में अगर आप 5 से लेकर 10 दिन आप रह जाओगे तो आप फुली ट्रेंड होके जाओगे। अगर नहीं भी आ सकते आप तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इस विधि का, हमारे होलिस्टिक हेल्थ केयर की इस पैकेज का फ़ायदा उठा सकते हो, हमसे अलग अलग ढंग से कॉन्टैक्ट करके। जो फ़ोन नंबर्स भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, ग्रुप्स भी हैं हमारे, उसमें शामिल हुई है आप, और आपको इसका फुल बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि आज हमने देखा, डॉक्टर साहब से बात की, बहुत से मरीजों से मुलाकात की, उसके भी छोटे से हम चंक आपको दिखाएंगे कि आज हम लोग जो यहाँ पे पेशेंट से मुलाकात की है, उन्होंने क्या बताया, कैसी यहाँ की डाइट है, कैसे कितनी देर उनको पानी के अंदर बैठना पड़ता है, कैसे उनको हेड डाउन टिल्ड करके उसको लिटाया जाता है, और कैसा एटमोसफियर है, कौन कौन सी पद्धति हैं, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे और बताएंगे। अगर आप भी हैं किसी भी बीमारी से परेशान, तो आप हिम्स हॉस्पिटल में एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करें, जहां पर आपके हजारों रुपए, लाखों रुपए लगने थे, वहां पर आप केवल डाइट के माध्यम से और हर्बल औषधियों के माध्यम से भी ठीक हो सकते हैं। तो अगर आप भी हैं किसी भी रोग से परेशान, तो कॉन्टैक्ट कीजिए हिम्स हॉस्पिटल, डेरा बसी, चंडीगढ़ में। मेरा नाम हर्ष दुबे है, मैं वाराणसी से आया हूँ। मुझे किडनी का प्रॉब्लम है 2 साल से। पहले मैं बहुत जगह दिखाया, मेरा क्रिएटिनिन बढ़ के 13 हो गया था। उसके बाद मुझे कहीं पे रिलीफ नहीं मिला, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा। उसके बाद फिर मैं हिम्स चंडीगढ़ आया, और यहाँ पे आने के 10 दिन बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। मेरा क्रिएटिनिन 13 से 11 हो गया, और हीमोग्लोबिन बिना इंजेक्शन का 7 से 9.5 हो गया, और मुझे फिजिकली बहुत
इम्प्रूवमेंट है और मेरा यूरिन आउटपुट भी बढ़ गया है। मैं लगभग एक साल से किडनी रोग से ग्रस्त हूँ। मैं अपनी किडनी को इलाज के लिए मैं कई जगह भटका, मगर जब मुझे हिम्स हॉस्पिटल के बारे में पता चला तो मैं बिना किसी देरी के यहाँ आया, और मैं आके यहाँ पे इतना संतुष्ट हूँ कि जो डायलिसिस मेरी हफ्ते में 2 होती थी, आज मेरी डायलिसिस 10 दिन में 1 बार हुई है। और मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं व्हील चेयर पर आया था यहाँ, और आज मैं अपने आप चलता हूँ, अपने आप सारे काम करता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। यहाँ का इलाज बहुत अच्छा है, कायदे में तो ये एक स्वर्ग है किडनी पेशेंट्स के लिए। कोई भी अगर किडनी पेशेंट है तो वो बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के यहाँ आए और अपना इलाज कराए। हमारी यानी कि जो था बिल्कुल माइंड चेंज हुआ है यहाँ आकर। हमने इंसुलिन देते थे, मेडिसिन देते थे इन्हें, अब तक हमने इन्हें कोई मेडिसिन नहीं दी, और विदाउट मेडिसिन इन्होंने कंट्रोल किया जो भी करा अब तक। इन्हें जो इम्प्रूवमेंट है, लीवर पेशेंट हैं, डायबिटीज है इन्हें, पेट में पानी भरता है, कई प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रिक्टली यानी कि यहाँ पर डाइट पे फोकस किया जाता है। नमस्कार जी, मेरा नाम है डॉक्टर नितिका, मैं हिम्स हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। हमारे पास एक पेशेंट है जिनका नाम है सेंटाज, और वो 29 साल के हैं, उनको CA ट्यूमर है। तो जब वो आए थे उनको काफ़ी दिक्कतें थी, उनको पेट में दर्द रहता था, इसके अलावा उनको गैस भी बनती थी, बैकएक भी रहता था। अस्सलाम वालेकुम, मुझे तो बहुत आराम आया है, मतलब मैं चल फिर नहीं पा रही थी, एक आध दो कदम जाती थी तो थक जाती थी, सर चक्कर देता था। अभी तो पूरा राउंड ले रही हूँ, काफ़ी पूरा बहुत आराम है एकदम। आपकी भूख पहले से बेटर हुई है? हाँ, एक पीस अगर खाती थी ना फ्रूट्स, वो उल्टी हो जाता था, अभी तो प्लेट प्लेट भर के खा लेती हूँ, बहुत आराम है। और हम मरीजों में पूछते भी रहते हैं, जो भी आए हैं वो भी बोलते हैं बहुत आराम है, सबको आना चाहिए यहाँ। जिस दिन मैं आया था तब मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, अब 3 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है मेरा, मतलब काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ मिला। नींद नहीं आती थी 15-20 दिनों से, अब नींद भी आ रही है, और जैसे मैं करवट नहीं ले पा रहा था, करवट भी ली जा रही है। अंदर जो दिक्कत थी वो भी काफ़ी हद तक ठीक हुई है थेरेपी से। तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, तब इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, ना ये करवट ले पा रहे थे, और इवन कि अगर पेट पे हाथ भी लगाते थे तो ये शाउट होते थे। बीच में तो कंटिन्यू लास्ट मंथ से ऐसे हो रहा था कि आउट ऑफ सेंस हो जाते थे, ना फैमिली में से किसी को पहचानते थे या किसी को भी नहीं। जिस हॉस्पिटल से हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे, ICU में रखते थे, मेडिसिन पे मेडिसिन, हमें देखो नहीं नॉलेज के उन्होंने क्या मेडिसिन दी क्या नहीं। उन्होंने हमें यही बोला हो लीवर ट्रांसप्लांट करवाओ, ये करवाओ, बहुत कंफ्यूज कर दिया उन्होंने हमें। डाइट के लिए भाई आप इन्हें नॉनवेज दो, एग दो, नहीं दोगे तो भाई ये मर जाएंगे, ज़िंदा रखना। हमें ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ से हमें समझाया गया कि हाँ कि भाई आप रिकवर कर सकते हो, पर आप अपनी पॉजिटिव थिंक रखो। यहाँ आके हमारे में भी पॉजिटिव थिंक्स बनी, और हमें लगा इवन कि इन्होंने खुद कहा कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। खुद को इन्हें लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जो उनसे आप थेरेपीज देते हो नेचुरल है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान तो हिम्स हॉस्पिटल आकर के अपनी बीमारी का जड़ से